बेल का शरबत बनाने के लिए पहले बेल को तोड़ लिए हैं, फिर इसमें चम्मच के सहायता से इसको निकाल लेंगे, इसका सारा ये गुदा वाला पार्ट, और इसको भी कट कट कर देंगे। ये एक पार्ट है, एक बेल का ही बना रही हूँ मैं, ज़्यादा बनता है, ये दूसरा है। तो ऐसे करके निकाल लेते हैं, फिर इसको दिखा रही हूँ मैं कैसे बनेगा। और इसके बाद ये ऐसे करके कट कट कर देंगे, दूसरे का भी वैसे ही कर लेंगे, पहले इसका पीस छोटा हो जाए तो बनाने में अच्छा रहेगा। ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है बेल, तो आप लोगों को पता ही होगा। अब ऐसे ही इसका भी निकाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये इसका भी निकाल रही हूँ, और निकाल करके रख लेती हूँ इकट्ठे, फिर आगे का प्रोसेस करूँगी। ये इसको आप दूध या दही किसी भी चीज़ में डाल करके बना सकते हैं, सिर्फ पानी में भी बना सकते हैं। मैं अभी सिर्फ पानी में ही बनाऊंगी, दूध या दही इसमें नहीं डालूंगी। आप अपने पसंद अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों का मैं निकाल ली हूँ, इधर इसका भी निकाल ली। और अब क्या करेंगे, इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, करीब आधा गिलास, 50 से 100 ग्राम के आसपास। और इसको हाथ से ही बनता है ये हम नहीं बना सकते चम्मच या किसी चीज़ से, इसमें हाथ ही लगाना पड़ेगा। तो ऐसे करके कर लेंगे, और बिल्कुल मैश कर लेंगे। ये चम्मच से पहले ही मैं काट चुकी थी इसको, जो ताकि इजी हो जाए हमें बनाने में, हमारे लिए इजी रहे। तो आप लोग भी बनाइए, और कौन कौन इस तरीके से बेल का शरबत बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। अभी बहुत अच्छा बेल मिल रहा है पहले। अब इसमें अभी पानी नहीं डालेंगे, अगर अभी डाल देंगे तो फिर अच्छा से नहीं बन पाएगा। तो एक बार घर में ज़रूर इस तरीके से बना करके ट्राई कीजिए, बिल्कुल मार्केट से अलग टेस्ट होता है इसका। तो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे का। हाँ, अभी इसमें से कुछ भी नहीं हमें निकालना है, बस ऐसे करके मिला देना है। इसी टाइम पर आप चीनी लेंगे तो चीनी भी डाल सकते हैं। मैं नहीं इसमें चीनी डालूंगी, थोड़ा सा ही डालूंगी जो दिखा रही हूँ, और चीनी के साथ ही और अच्छे तरीके से मिल जाता है। तो इसी टाइम पर हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। सर कनिक के देख वाला दो दियो ना, हाथ में लो लिया ना। लियो दूंगी, नहीं 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 बस भाग लिया, चीनी डल गया। अब इसको मिला दी हूँ खूब अच्छे से, और इसका अच्छे से मिल गया है, इसकी यही पहचान है। जब हम इसको करेंगे निकालेंगे गाड़ेंगे तो इसका रेसा रेसा निकल जाएगा। तो ये हमारा देखिए बीज भी है, ये रेसा भी है। तो अब क्या करूँगी मैं, अगला प्रोसेस इस छन्नी में डालूंगी। सबसे पहले तो इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी। हाँ, ये हो गया, अब इसको अच्छे से मिला दूंगी। अब हम चम्मच का यूज थोड़ा कर सकते हैं, पर फिर भी मुझे फिर हाथ ही लगाना पड़ेगा। और अब क्या करें, अब इस छन्नी में थोड़ा सा और चीनी डाल दिए हैं। हाँ, ये है ना, इसमें सारा को डाल दूंगी। और इस तरह से मैं बार बार बोली हूँ कि इसमें हमें हाथ ही लगाना पड़ेगा, ये चम्मच से नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए नीचे सारा छन जाएगा और इसका रेसा ऊपर रह जाएगा। इसी तरह सारे को छान लूंगी और फिर दिखाती हूँ मैं आगे का प्रोसेस। ये देखिए, ये सारा छन गया है नीचे, और इस तरह से अगर हमें ज़्यादा गाढ़ा लगेगा तो थोड़ा सा हम पानी और डाल करके इसको छनोटी में छान लेंगे। इस तरह सारा रेसा निकल गया, और ये हमारा बेल का शरबत बनकर तैयार हो गया है, दिखा रही हूँ मैं। आप चाहो तो इसको और पतला कर दो, और या गाढ़ा रखना चाहते हैं तो रखिए। और अगर हम दूध दही डाल करके बनाएंगे तो सेकेंड टाइम में जब हम पानी डाले हैं उसी समय हम दूध या दही डालेंगे इसमें, तो हमारा बहुत ही अच्छा बनकर ये बेल का शरबत तैयार हो जाएगा। मैं नहीं पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं नहीं डाली हूँ इसमें। तो इस तरह से हमारा ये बेल का शरबत बन गया है। आप लोगों को उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा।
इस तरह ये बन गया। अब इसको गिलास में डाल लेंगे और पीजिए, एंजॉय कीजिए। और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा बेल का शरबत। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें। पहले से जुड़े हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगता है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।